अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को, दैट हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्स थ्रू अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्यून रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। सो इम्यून रिस्पॉन्सेस वो है दैट हाउ योर बॉडी रिकॉग्नाइज कि आपकी बॉडी किस तरह फॉरेन पार्टिकल्स को, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसमें वायरसेस हो सकते हैं, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करती है और किस तरह उसको आपकी बॉडी को डिफेंड करती है अगेंस्ट पैथोजेंस। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को हार्म से बचाता है, और कैसे बचाता है, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करता है, देन उसकी जो एंटीजन होती है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करवाता है। अब एंटीजन क्या होती हैं? एंटीजन आर सब्सटेंसेज ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, वायरसेस, फंजाई और बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया वायरसेस और फंजाई के सरफेस के ऊपर ये सेल्स होते हैं जो कि मोस्टली प्रोटीन होती हैं, जिसको बॉडी के जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, जो कि सेल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम बनाते हैं, वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और देन उसके अगेंस्ट एक्शन शो करवाते हैं। हमारी बॉडी जो है इसके अंदर भी एंटीजन होती हैं, दिस इंक्लूडिंग अ ग्रुप ऑफ एंटीजेंस कॉल्ड HLA एंटीजन। सो इनको हम HLA एंटीजेंस कहते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है स्लोली जो है ना इसको लर्न करता है कि ये जो एंटीजन है इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करवाना। ये एक अलग से मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी जो है हम इसलिए सर्वाइव करते हैं, हमारी बॉडी सर्वाइव करती है क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमें डिफेंड करता है पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग एजेंट से। सो दैट्स वाई आवर बॉडी रिमेन हेल्दी। अब हम बात करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस की, तो ये दो तरह के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। तो आज के लेक्चर में हम नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस को डिस्कस करेंगे, इननेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इननेट और नॉन स्पेसिफिक। इननेट और नॉन स्पेसिफिक सिस्टम जो है ये जब बच्चा पैदा होता है यानी कि बर्थ के दौरान ही उसमें ये उसकी बॉडी के अंदर जो है ना ये सिस्टम होता है, और ये हमें ऑल एंटीजन से बचाता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि किसी खास या किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं शो करवाते, बल्कि एक बैरियर का काम करते हैं। सो हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा नॉन स्पेसिफिक में आता है वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम इसको पहले देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है, ये बैक्टीरिया को ट्रैप करता है और स्मॉल पार्टिकल्स को रोक लेता है, बॉडी के इनसाइड नहीं जाने देता। देन हमारी स्किन है, जो स्किन की लेयर्स हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि बहुत सारे सीवियर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं, केमिकल्स हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और उनको इनसाइड नहीं जाने देता। इसके बाद स्टमिक एसिड है, कुछ पार्टिकल्स अगर हम इनगल्फ कर लेते हैं डाइट के थ्रू तो वो जो हमारे स्टमिक के अंदर एसिड है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद कॉ रिफ्लेक्सेस है, ये जो खांसी का आना है ये भी एक अल्लाह पाक की तरफ से नेमत होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर नॉर्मल आती है तो ये क्या होता है, ये आपकी बॉडी में जो आपके सांस के थ्रू या आपके गले के थ्रू जो बैक्टीरिया वगैरह इंटर हो जाते हैं ये उसको वहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसके बाद जो टीयर्स के अंदर इंजाइम्स होते हैं, और लास्ट पे आता है स्किन ऑयल जो हैं, जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस हम देखते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किन है, स्किन इज़ द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम। सिस्टम का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है हमारे पास स्किन है। स्किन जो है वो क्या करती है, एज अ नियरली इम्पेनिट्रेटेबल बैरियर टू इन्वेडिंग पैथोजेंस, की तकरीबन बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह के अगेंस्ट ये इम्पेनिट्रेटेबल है, यानी कि उनको ये बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करने देती। दिस बैरियर इज रेनफोर्स्ड विद केमिकल वेपन्स, और ये कैसे उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, पसीना जिसको हम स्वेट कहते हैं और ऑयल जिसको स्वेबिशियस ग्लैंड्स हैं।
ऑयल्स जो हैं और स्वेट है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो एसिडिक होती है, और इससे क्या होता है, एसिडिक की वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और दूसरा जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उसके अंदर, पसीने के अंदर इंजाइम्स होते हैं जिसको लाइजोजाइम्स कहते हैं, जो कि उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब जो बॉडी की इंटरनल सर्फेसिस होती हैं, लाइक स्टमिक की सर्फेस है, डाइजेस्टिव ट्रैक की है, या हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, उसके इनसाइड एक एपिथेलियल लेयर के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन के इनसाइड स्टिकी या विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि बैक्टीरिया को जो है ना वो इन्वेडिंग से बचाता है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स वर्क्स टू प्रिवेंट एनी पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। तो ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको बॉडी में एंटर होने से रोकता है और उन्हें पेनिट्रेट नहीं करने देता। अब जब किसी भी वजह से अगर बैक्टीरिया या वायरसेस या फंजाई या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में इंटर हो जाता है, फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर लेता है, देन सेकंड लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस एक्टिवेट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। व्हेन अ बॉडी इज इन्वेडेड, फोर इंपॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस, उसके बाद सेकेंड लाइन में चार आते हैं। सबसे पहले आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना, तो कॉज बाय इंजरी और लोकल इन्फेक्शन, कि अगर किसी इंजरी की वजह से या किसी खास लोकल इंजरी की वजह से कट लग जाए, या कोई स्क्रैप के टुकड़े की वजह से वहाँ से बैक्टीरिया अगर इंटर हो जाए, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये बेसिकली इवेंट्स हैं जो कि इन्फेक्शन को सप्रेस करते हैं और रिकवरी में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में किसी को जो है ना वो शार्प मेटल की वजह से कट लग जाता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और सेकेंड लाइन में चले जाते हैं। अब वहाँ से क्या होता है, इन्फेक्टेड और इंजर्ड सेल इन योर फिंगर, वो जो आपकी जहाँ पे कट लगा है वहाँ से केमिकल रिलीज होता है, जिसमें इंक्लूड होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन अब क्या करती है, वहाँ पे ब्लड वेजस को डायलेट कर देती है, यानी कि ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है उस एरिया में। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ब्लड के अंदर, क्योंकि वाइट ब्लड सेल होते हैं, और वाइट ब्लड सेल फिर उस जगह पे पहुंचते हैं, उस साइट पे आते हैं, और उस पैथोजिन के अटैक को फिर अटैक करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रेडनेस होती है और स्वेलिंग हो जाती है। और जब ये वाइट ब्लड सेल और फॉरेन पार्टिकल के दरमियान रिएक्शन होता है, तो उससे पस सेल भी बन सकता है या वाइटिश फ्लूइड बनता है। इन्फ्लेमेशन क्या करती है, कैसे करती है, एक तो ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है उस एरिया में, ताकि वहाँ पे वाइट ब्लड सेल ज़्यादा से ज़्यादा आए, और दूसरा ये काम ये करती है कि वहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा देती है, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ को रिटार्ड किया जा सके, मिनिमम किया जा सके। अब इवेंट्स इन लोकल इन्फ्लेमेशन, व्हेन एन इन्वेडिंग माइक्रोब्स हैज़ पेनिट्रेट द स्किन, केमिकल सच एज हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस कॉज नियर बाई ब्लड वेसल्स टू डायलेट्स। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हिस्टामिन वहाँ पे डायलेट करती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, और वाइट ब्लड सेल आके वहाँ पे फैगोसाइटोसिस करते हैं। इसके बाद सेकेंड है टेम्परेचर रिस्पॉन्स। अब टेम्परेचर रिस्पॉन्स क्या होता है, कि जब जैसे ही कोई भी पैथोजिन हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है, फर्स्ट लाइन को क्रॉस करके सेकेंड लाइन पर चला जाता है, देन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ फीवर, कि ये बुखार हो गया है। बुखार बेसिकली इट सेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। सो इससे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। फीवर हेल्पफुल बिकॉज मैनी पैथोजिन डू नॉट ग्रो एट अ हाई टेम्परेचर। ये हेल्प करता है, कैसे, जब हाई टेम्परेचर होता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई होता है तो वो भी डेंजरस है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के इंजाइम्स काम करना छोड़ देते हैं, जिससे डेथ भी हो सकती है। अगर टेम्परेचर 39 से अबव चला गया है, 37 तो नॉर्मल है, तो हम उसको डेंजरस कंसिडर करते हैं, और अगर 41 से ग्रेटर हो जाए और ये ख़तरनाक होता है, जानलेवा होते हैं। थर्ड है प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, जिनका काम ही सिर्फ क्या है, पैथोजेंस के अगेंस्ट इनकाउंटर करना। देन दे फॉर्म अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। वो क्या करती हैं, वो जो पैथोजिन आता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर उसके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अनदर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, एक और टाइप हमारे पास आती है, इंटरफिरॉन। ये प्रोटीन है रिलीज्ड बाय सेल इन्फेक्टेड विद वायरसेस, जो
वायरसेस से इफेक्ट होते हैं सेल वो प्रोड्यूस करते हैं. सो द कॉज नियर बाय सेल टू प्रोड्यूस एन एंजाइम्स दैट प्रिवेंट्स वायरसेस फॉर मेकिंग प्रोटीन एंड आरएनए. तो ये क्या करते हैं इंटरफेरॉन्स, वहाँ पे एक ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि वायरसेस को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं कि वो अपनी प्रोटीन और आरएनए को प्रोड्यूस ना कर सकें. इसके बाद फोर्थ है वाइट ब्लड सेल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया के, पैथोजेंस के, वायरसेस के अगेंस्ट काउंटर अटैक को रोकने के लिए, वो वाइट ब्लड सेल्स हैं. वाइट ब्लड सेल आउट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल, तीन तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजिस एंड नेचुरल किलर सेल्स. अभी क्या करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम की पेट्रोलिंग करते रहते हैं और जहाँ पे इन्हें लगता है, फील होता है या पता चलता है इन्हें कि यहाँ पे पैथोजन ने अटैक कर दिए, वहाँ पे जाते हैं और उसको इंगॉल्फ कर देते हैं. न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है वो न्यूट्रोफिल्स हैं, और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक देम सेल्स टू डिफेंड द बॉडी. ये स्पेसिफाई होते हैं सिर्फ बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये क्या करते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं. सेक्रीफाइस कैसे करते हैं, ये जो जो भी बैक्टीरिया या वायरस आता है ये उसको इंगॉल्फ करते हैं, देन वो एक केमिकल रिलीज करते हैं और बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल्स दोनों ही डाई कर जाते हैं, दोनों ही डेड हो जाते हैं. सेकेंड टाइप है मैक्रोफेजिस, ये क्या करते हैं, जस्ट एंड किल बैक्टीरिया पैथोजेंस दे इनकाउंटर, क्लियर डेड सेल्स एंड अदर डेब्रीज फ्रॉम द बॉडी. ये क्या काम करते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं पैथोजिन को और उसको किल कर देते हैं, बॉडी में से जो पैथोजिन्स हैं, जो गलाजत है उसको साफ़ भी करते हैं. फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे वो कोई ब्लड क्लॉट वगैरह हो जाता है, ये ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू या फ्लूइड के थ्रू जो है ना ये ट्रैवल करते हैं और किसी खास ऑर्गन में जो है ना वो कंसनट्रेट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन, स्पेशली द स्प्लीन एंड लंग्स, तो वहाँ पे ये जमा होते हैं आके. सो ये पहले जैसे हमने कहा कि न्यूट्रोफिल्स खुद भी किल हो जाते हैं, लेकिन ये किल नहीं होते बल्कि उसको इंगॉल्फ कर लेते हैं. लास्ट पे नेचुरल किलर सेल्स हैं, लार्ज वाइट ब्लड सेल दैट अटैक्स सेल्स इन्फेक्टेड विद पैथोजेंस. ये लार्ज ब्लड वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है. ये कैसे करते हैं, ये उस जो बैक्टीरियल सेल है उसकी उसको पंक्चर करते हैं, जिससे उसकी सेल वॉल को रैप्चर कर देते हैं. जब उसकी सेल वॉल रैप्चर होती है तो वहाँ से जो उसका वाटर होता है, वाटर मटेरियल है, ये सारा कुछ होता है ये वहाँ से बाहर निकल आता है और उसे क्या होता है, उसमें ब्रस्टिंग हो जाती है. सो वन ऑफ द बॉडीज बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट कैंसर, और ये कैंसरियस सेल्स जो है ना, ट्यूमर सेल्स जो है ना, उससे भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं.